हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं सिग्निया की एक हियरिंग एड। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसी हियरिंग एड को। तो चलिए देखते हैं कैसी ये हियरिंग एड, कितने की है, किसके लिए है ये मशीन, क्या क्या हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है, क्या प्राइस है इस मशीन का, किसके लिए मशीन है, किन लोगों के लिए ये मशीन सही रहेगा, किन लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिलता है सिग्निया, जो कि पहले इसका नाम था सीमेंस, अभी इसका नाम चेंज होकर सिग्निया हो गया है। इस साइड हमें देखने को मिलता है कुछ खास नहीं है, इधर हमें प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें यूजर गाइड देखने को मिलता है इस बॉक्स में। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, मशीन को कैसे रन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, सभी के बारे में। फिर इसमें हमें देखने को मिलता है वारंटी कार्ड, इसमें 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। तो ये ज्वेल बॉक्स है जिसके अंदर हमारी हियरिंग एड है। बॉक्स को खोलते हैं तो ये हमें हियरिंग एड देखने को मिलती है। इसमें कुछ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक बैटरी है, इसमें एक टिप दिया हुआ है। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, फिर मशीन को हम देखेंगे। ये हमें ड्राइंग जार में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम अभी आपको बाद में बता देंगे इसका ये क्या यूज़ है, किस लिए ये बॉक्स है, क्या है इसमें। अभी इन सबको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं क्या है मशीन के अंदर। ये ब्रश देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं और मशीन को करते हैं स्टार्ट। ये है हमारी सिग्निया की हियरिंग एड। यहाँ पे आपको देखिए 2 माइक्रोफोन देखने को मिल रहा होगा, साइड साइड में देखिए। यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं जिससे आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी हियरिंग एड है। ये कान के पीछे वाली मशीन है जिसको बोलते हैं BTE, बिहाइंड द ईयर। और इसमें ये बैटरी लगती है, यह क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसको पावर के लिए ये बैटरी इसको पावर प्रोवाइड करती है। तो ये 13 नंबर की बैटरी है जो कि इस मशीन में लगती है। और ये हो गया बैटरी डोर जिससे हम बैटरी को खोलते हैं, और ये आपको देखने को मिल रहा है बैटरी कंपार्टमेंट जहाँ पर इस बैटरी को हम इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी मशीन ऑन हो जाती है, ठीक है। तो इस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये मशीन किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये जो मशीन है, ये जो हियरिंग एड है, ये बिहाइंड द ईयर है। तो ये जो मशीन है ये कान के पीछे वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मशीन को कैसे पहनते हैं और मशीन पहनने पर कैसा दिखता है, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले कान के ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद स्टिक को कान के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें मशीन देखने को मिलता है। इस मशीन को आप इजीली यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको पहना हुआ है, तो पहनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मशीन में आवाज कम ज्यादा कैसे करना है ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मशीन इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है। आप मशीन में आवाज कम ज्यादा करने का भी ऑप्शन इजीली दिया हुआ है, इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल मशीन है। ये एक सेमी डिजिटल हियरिंग एड है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। तो अगर आपको प्रॉब्लम मॉडरेट से सीवियर तक की हियरिंग लॉस है तो ये मशीन आपको हेल्प करेगा। तो ये जो बैटरी है ये लगभग 220 घंटे का बैकअप देता है, यानी कि लगभग 20-22 दिन ये बैटरी जो है आराम से चलती है, एक बैटरी। ये काफ़ी एक अच्छी हियरिंग एड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड इसमें 2 साल की आपको इंटरनेशनल वारंटी देखने को मिलता है। तो ये जो मॉडल है ये बेसिक मॉडल है, जैसा कि इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 साल की इंटरनेशनल आपको वारंटी देखने को मिलती है। ये जो मशीन है ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर इसमें पानी थोड़ा बहुत भी पड़ जाता है तो मशीन ख़राब नहीं होती है। और ये जो मशीन है वो 4 चैनल की है। जिन लोगों को नहीं पता ये 4 चैनल क्या है,
तो उनको मैं बता दूं कि जितना ज्यादा चैनल होते हैं उसमें जो स्पीच की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा अच्छा मिलता है। जितने नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा होते हैं उसमें आपको स्पीच का जो क्वालिटी होता है वो आपको अच्छा मिलता है। सिंपली आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, स्पीच की क्वालिटी हो गई, आपको म्यूजिक हो गया, ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं इसमें। तो जैसा कि ये बेसिक मॉडल मशीन है तो इस मशीन की कॉस्ट 10,490 रुपये है। अगर आपको हियरिंग लॉस है, अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सुनवाई की जांच कराएं। उसके बाद अगर आपका रेंज जो है वो मॉडरेट से सीवियर तक में आ रहा है और आपका बजट कम है तो फिर आप इस मशीन के लिए आराम से जा सकते हैं। 10,490 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपको इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप मशीन को अच्छे से चलाते हो तो ये इजिली 4 से 5 साल आराम से चल जाती है। तो जो इसमें बैटरी लगती है उसको मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कौन सी बैटरी लगती है। तो इसमें 13 नंबर की बैटरी लगती है जो कि 1.45 वोल्ट का है और इसमें आपको 6 बैटरी देखने को मिलती है। जो कि इसमें कॉस्ट अगर बात करें कितने रुपए की है तो ये 240 रुपये इसमें प्रिंट रेट है। करो 240 रुपये में आपको ये 6 बैटरी देखने को मिलती है। तो ईजिली आपका जो एक बैटरी है वो 20 से 25 दिन 22 दिन चल जाता है। वो आप ऐसे समझो कि ये 6 बैटरी जो कि 240 रुपये है, सिटी टू सिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका प्राइस होता है बैटरी में, तो ये मान के चलो आप 4 महीने के लिए आपको इजिली ये डिवाइस जो है, ये जो हियरिंग एड है, ये 6 बैटरी इजिली आपको 4 महीने तक का बैकअप देगा। तो 200 रुपये में, 220-240 रुपये में आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं, आपको इजिली अच्छा बैकअप मिल जाएगा इस मशीन। तो आपको कहीं भी ये बैटरी आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल बैटरी लेते हैं तो इसकी अच्छी बैटरी बैकअप मिलती है, अगर आप डुप्लीकेट या लोकल आप मार्केट से लेते हो बैटरी तो उसकी जो बैटरी बैकअप है थोड़ा कम मिलता है आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ReSound की बैटरी है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में सभी कंपनीज जो हैं वो बैटरीज बना रही हैं अपनी अपनी, तो आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ReSound का यूज़ करो, सिग्निया खुद बनाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास सिग्निया की नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह बैटरी आपको देखने को मिलता है, उसमें भी आपको 6 बैटरी देखने को मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करो, लोगों में शेयर करो, जिन किसी को सुनने में दिक्कत है उनको ये वीडियो दिखाओ, मशीन के बारे में बताओ उनको, जिससे कि वो अवेयर रहें और ऑनलाइन मशीनें ना खरीदें। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में आपको 1,000-2,000 में मशीन मिल जाती है, बट वो क्या करती हैं आपके कान को ख़राब करती हैं। तो इन सभी से आपको बचाना भी है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उनको अवेयर भी कराना है कि अगर आपको मशीन लेना है तो एक ब्रांडेड, एक जेन्युइन मशीन खरीदें। क्योंकि ये मशीन को बार बार लेने वाली चीज़ तो है नहीं, एक बार आप ले लो अच्छा पैसा लगा के तो वो अच्छा चलती है आपकी मशीन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आप हियरिंग और स्पीच से रिलेटेड जानकारी लेनी है या कुछ आपको टॉपिक जानना है, समझना है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर अब अगला वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही हियरिंग और स्पीच से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेके आते हैं एक नई हियरिंग एड। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।